जी -6.53 है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लेती हूँ -6.53 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा -6.5 से थोड़ा सा पहले, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? माइनस क्यों यहाँ है? आपको मैंने क्या बताया हुआ है, जब आपको जिंट फंक्शन लेना होता है हम उससे अगला वाला इंटीजर नहीं ले सकते जहां पे भी पॉइंट है, हमेशा उसे पिछला वाला इंटीजर लेना होता है। अब पॉइंट यहाँ पे है, इससे पिछला इंटीजर कौन सा है? -7, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? -7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर गिवन सम ग्राफ्स और हमें ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। फंक्शन के लिए जो हमारी मेन कंडीशन हम वो चेक करते हैं वो ये होती है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं प्री इमेज एक की मोर देन वन, इट शुड नॉट हैव मोर देन वन इमेजेस। अब जो हमें ग्राफ्स गिवन है, फर्स्ट ग्राफ है हमारा दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द सेकेंड ग्राफ, दिस इज द थर्ड ग्राफ, एंड दिस इज द फोर्थ ग्राफ। अब इसमें हमें ये बताना है कि विच वन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन, विच ऑफ दीज ग्राफ्स इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। फंक्शन हम किस फॉर्म में लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट अस सपोज मैंने एक्स प्लस वन लिखा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस को। कंडीशन क्या होती है फंक्शन के लिए कि एक इमेज की, ठीक है, जो है क्या लेके चलते हो, एक इमेज की, एक प्री इमेज या एक प्री इमेज की, एक इमेज, एक प्री इमेज की एक इमेज होती है, ठीक है। अब यहां से क्या बन रहा है आपका, मान लो अगर मेरे पास ये इस तरीके से आ जाता है, वन वन है ये, और मैं साथ में ये वन टू ले लेती हूँ, बाकी सारे एलिमेंट्स और गिवन है, क्या ये फंक्शन होगा? अब यहाँ पे वन जो है दैट इज एसोसिएटेड विद टू एलिमेंट्स, वन प्री इमेज इज हैविंग टू इमेजेस, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ से बताओ, यानी कि एक एक्स की वैल्यू के लिए मुझे दो डिफरेंट एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज मिल रही है, यही हो गया इसमें। अब इसमें देखो यहाँ पे एक एक पे एक मिल रही है, यहाँ पे एक पे एक है अगेन, यहाँ दो कैसे हैं? ये एक्स की वैल्यूज वेरी हो रही हैं आपको, हर एक्स की वैल्यू के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी इमेज बन रही है दैट इज डिफरेंट। अब इस वाले पे आओ, यहाँ पे ये आपकी लाइन है, एक्स की वैल्यू फिक्स है, एक वर्टिकल लाइन पे आपकी एक्स की वैल्यू फिक्स हो जाती है। अब यहाँ एक्स की वैल्यू फिक्स है बट एफ ऑफ एक्स की तीन वैल्यूज मिल रही हैं आपको, तो विल इट बी अ फंक्शन? क्योंकि एक प्री इमेज की थ्री इमेजेस हो गई, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन इज सिमिलर टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इज एन। हमें रिलेशन गिवन है इज सिमिलर टू और ट्राइंगल्स के सेट पे गिवन है, इतना क्वेश्चन समझ आ गया? रिलेशन है ए इज सिमिलर टू बी और सेट ऑफ ट्राइंगल्स पे डिफाइंड है आपका, देन दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन करवाया हुआ है मैंने, सिमेट्रिक वाला ट्राइंगल्स का। बताओ जी, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, अगर मैं ए कॉमा ए लेती हूँ दैट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक ट्राइंगल अपने सिमिलर होता है,
अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेती हूँ, यानी कि ए इज सिमिलर टू बी, डज दिस इम्प्लाई दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर? ए अगर बी के सिमिलर है, बी ए के सिमिलर होगा, क्यों बच्चे? मैंने ये एक ट्राइंगल ए ले ली, ये एक ट्राइंगल मैंने बी ले ली, मैंने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। सिमिलैरिटी के लिए क्या हम लेके चलते हैं? या तो इनके सभी एंगल्स सेम, या फिर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अगर ये इसके सिमिलर है तो क्या ये इसके सिमिलर नहीं होगी? साइड्स की रेशियो चेंज तो नहीं होगी ना, सेम रहेगी। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सेम वे में a comma b belongs to r, yani ki a is similar to b, b comma c belongs to r, yani ki b is similar to c, so does this imply a comma c belongs to r? karega ye, so this is an kya hai ye, reflexive bhi hai, symmetric bhi hai, transitive bhi hai, so this is an equivalence relation. clear? to option equivalence relation wali aap tick kar denge. after that the next question, hame r is equal to given hai. This is just an idea कि किस टाइप के आपके questions MCQs में आ सकते हैं। A lot of practice is needed by you. Most जो आपको important thing जो है उस जिस पे ध्यान देना है, that is कि जितने भी आपके questions आएंगे in your exams also that are concept based. ठीक है, concept clarity है अगर आपकी तो you will be able to do the questions. और board का मतलब mostly उन्होंने यही जो last statement उनकी तरफ से अभी आई है, that is कि आप सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी अच्छे से करेंगे एंड देन यू विल गो फॉर सम अदर बुक्स। तो पहले आप एनसीईआरटी में से कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें। अब हमें यहाँ पे गिवन है इफ आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, आर हमें एक रिलेशन गिवन है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट। एक्स प्लस टू वाई जो है इक्वल टू एट हमें गिवन है। What we are to find that the range of R is, अब options हमें given है 1 to, second option given है 1 to 3, third option given है 1 to 3 4, and next option given है मुझे 1 and 3, और मुझे बताना है कि range क्या है function का। दिस इज अ रिलेशन ऑन एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, और ये मुझे ऑप्शंस गिवन है और मुझे इनमें से चूज करने को कहा गया है कि इस रिलेशन की रेंज क्या होगी। एक्स की वैल्यूज मतलब क्योंकि ये रिलेशन फ्रॉम एन टू एन है, तो एक्स की वैल्यूज 1 2 3 4 आप पुट करोगे तो क्या आएंगी ऑप्शंस? एक्स को अगर आप 1 पुट करते हो, ठीक है, एक्स को मैंने लेट अस सपोज 1 पुट किया, या हम ऐसे निकाल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 2 वाई। अब ये मेरे पास रेंज की ऑप्शंस गिवन है। अब रेंज में यानी कि यहाँ से वाई की वैल्यूज पुट करूं और एक्स को चेक करूं कि वो नेचुरल नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप पहले क्या पुट करो, वाई को 1 पुट करो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6, नेचुरल नंबर है। फिर वाई को क्या पुट करो 2, एक्स इज 4, फिर अगला y इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2, फिर y इक्वल टू 4 भी है तो 4 भी मैंने पुट कर लिया, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 0। दिस डज नॉट बिलोंग टू n, ये वाला कर रहा है सेटिस्फाई, ये वाला कर रहा है सेटिस्फाई, ये वाला कर रहा है सेटिस्फाई, यही नंबर थे मेरे पास 1 2 3 एंड 4, यही बाकी रिपीट हो रहे हैं। तो 1 वाला सेटिस्फाई हो रहा है, 2 वाला सेटिस्फाई हो रहा है, 3 वाला सेटिस्फाई हो रहा है, तो विच विल बी योर आंसर? ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए मुझे गिवन है 1 2 3, और सेट बी गिवन है 4 5 6 7, और फंक्शन गिवन है मुझे 1 4 2 5 3 6।
दिस इज अ फंक्शन गिवन टू मी एंड मुझे क्या चेक करना है, स्टेट वेदर एफ इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव और नन ऑफ दीज, चार ऑप्शंस गिवन है, इसको चेक करना है मुझे, ये वन वन है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है या नन ऑफ दीज है, और फंक्शन जो है दैट इज फ्रॉम सेट ए टू बी, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, वन टू थ्री, वन का इमेज है, टू का इमेज है, थ्री का इमेज है, ईच एलिमेंट ऑफ ए जो है वो रिलेटेड टू बी है, तो फंक्शन वन वन हो गया, वन इज रिलेटेड टू वन। अब ऑन टू के लिए क्या फंक्शन होता है कि जो हमारा रेंज है फोर फाइव सिक्स दैट शुड बी इक्वल टू कोर डोमेन, बट यहाँ पे सेवन एक्स्ट्रा है तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोर डोमेन, रेंज कोर डोमेन का सेट है मीन्स नॉट ऑन टू, ठीक है, नॉट ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, तो कौन सी ऑप्शन आंसर आ जाएगी, वन वन, क्योंकि बाइजेक्टिव भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है और वन वन है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन भी नहीं आपने लेनी है। नेक्स्ट, ये बुक का ये क्वेश्चन, फंक्शन एफ इज सच दैट इट इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब आप बताओ कि मुझे ये क्या करना है, ये किस टाइप का फंक्शन है, ऑप्शन में बता देती हूँ आपको, मुझे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन इज फ्रॉम अ रियल नंबर टू अदर रियल नंबर, रियल्स के सेट पे है ये, ऑप्शन है फंक्शन इज वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव नन ऑफ दीज, वन वन है पहले चेक करो क्यों, एक कैसे आएगी, मैंने एफ ऑफ माइनस वन लिया, माइनस वन का स्क्वायर इज प्लस वन, फिर मैंने एफ ऑफ वन ले लिया, ये भी प्लस वन आ रहा है, टू डिफरेंट आर लिंक्ड टू वन, दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, दिस इज अ मेनी वन फंक्शन, ठीक है, अब ऑन टू चेक करो, फोर डोमेन रियल नंबर्स हैं और रेंज क्या आएगी, सभी पॉजिटिव रियल्स आएंगे, तो इट मीन्स रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोर डोमेन, तो दैट इज नॉट ऑन टू, वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो दिस इज नन ऑफ दीज विल बी द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अच्छा सेम वे में अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाता है, सेम है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, देन f ऑफ माइनस वन माइनस वन आएगा, f ऑफ प्लस वन आएगा, हाँ जी वन वन होगा, और क्यों, क्या फंक्शन वन वन है, दिस इज करेक्ट, ऑन टू क्यों नहीं होगा, तो क्यों, हाँ तो क्या हो गया, आ सकते हैं फिर क्या होगा, हाँ तो सेम कोडोमेन और क्या होगा, कोडोमेन और रेंज सेम होंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन टू मी, इफ दिस फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू आर टू टेल मी व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यस मानविया यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, it is not onto because only the perfect cubes would be the in the range, yes, kyunki jo aapke perfect cubes banenge that will be there in the range, theek hai, वैसे तो इसमें decimal वाले values भी ले लेते हो, I'm just taking the examples of integral values, 1 ka cube will be 1, 2 cube will be 2, 8, 3 cube will be 27, beech ke no doubt ki jo numbers hain unke bhi decimals mein aate jayenge aapke, but 2, 3, 5, these kind of numbers will be missing, क्योंकि ये किसी का perfect cube नहीं बनते,
ठीक है, तो दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन. गॉट इट? तो फंक्शन वन वन है, ऑन टू नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है दैट इज गिवन टू अस एज वन वन, तो दैट विल बी योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट्स. अब ये आप मुझे बताओगे, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही शुरू किया था, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट्स इज गिवन बाय, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रिलेशंस हैविंग एन एलिमेंट्स. पहले तो रिलेशन आपका कहां से बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से. अगर आपको एक ही सेट गिवन होता है कि रिलेशन इज ऑन सेट ए, तो इसका मतलब क्या होता है, ए क्रॉस ए में से निकाल रहे हो. नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हो, दैट इज गिवन बाय 2 रेज टू पावर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था बच्चे, सेट ए में आपके 3 एलिमेंट्स थे, बी में आपके 2 एलिमेंट्स थे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस मैंने क्या करवाया था, 3 × 2 यानी कि 2 raised to power 6. अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके n है, तो यानी कि जो आपका रिलेशन बन रहा है वो फर्स्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, सेकंड में भी, क्योंकि ये इसी सेट से इसी सेट पे रिलेशन है, तो जो आपका रेंज वाला सेट है उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ही आएंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी n into n, यानी कि दैट विल बी गिवन बाय n 2 raised to power n square. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन इंटीजर्स. अब आपको डिफरेंट रिलेशंस गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा ऑन जेड. पहला गिवन है ए इज रिलेटेड टू बी, फर्स्ट गिवन है ए माइनस बी इज एन ऑड नंबर, सेकेंड गिवन है ए प्लस बी इज एन इवन इंटीजर. इंटीजर थर्ड गिवन है ए इज लेस देन बी एंड द फोर्थ वन इज ए इज इक्वल टू बी. हमें चेक करना है इनको कि इनमें से कौन सा जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. फर्स्ट वाला ए माइनस बी इज एन ऑड इंटीजर, इज इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट. जेड पे ये हमें गिवन है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन आंसर द क्वेश्चंस. बच्चे सिया विल यू ट्राई, होगा कौन सा, फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है, दिस विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सेकंड वन दिस विल आल्सो बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है. थर्ड वन, यस वेरी गुड. ए लेस देन बी वो कह रहे हैं, तो ए कॉमा ए वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी आपकी. ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies b comma a belongs to r वाली condition भी satisfy नहीं होगी. यहाँ पे एक number खुद से छोटा नहीं हो सकता, यहाँ पे अगर a less than b है तो that does not imply that b is also less than a. So ये relation जो है आपका equivalence relation नहीं है, so this will be your answer. Now the next question. अगला भी इसी तरीके से है, उसमें यहाँ पे साथ में equal to का sign लग जाए, ठीक है. जब ये लेस देन इक्वल टू का साइन लग गया, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव होगा. बट अगर ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो अगेन उस वाले केस में भी आपका यही आंसर आएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब एक सेट मुझे गिवन है ए 1 2 3, और मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालने हैं विच आर कंटेनिंग एन एलिमेंट 1, 2। सेट ए लेते हैं पहले, ये मुझे गिवन है 1 2 3। अब इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालने हैं विच आर कंटेनिंग द दिस 1, 2, ये एलिमेंट जो कंटेन करेगा। देखो पहले तो इसके टोटल सेट्स बना लो। रिलेशन 1, आइडेंटिटी रिलेशन बना लेते हैं जिसमें सिर्फ ए ए वाले एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। आर टू, ये वाले एलिमेंट्स लेने ही लेने हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव को शो करेगा। इसके साथ मैंने ले लिया 1, 2 एंड 2, 1। देन थर्ड सेट लेते हैं, ये वाले 3 तो आएंगे ही आएंगे। इसके साथ मैंने यहाँ चेंज करके 1, 3 एंड 3, 1 ले लिया। देन आर फोर, ये वाले 3 आने ही आने हैं। देन क्या लें साथ में, 2, 3, 3, 2, बिल्कुल ठीक है। और ये सिर्फ हम जो इक्विवेलेंस रिलेशंस बन रहे हैं वो लिख रहे हैं, एक और आएगा इसमें, बाकी अदरवाइज आप ट्राई कर लेना लिख के, बाकी जो है वो आपके इक्विवेलेंस रिलेशंस नहीं बनेंगे। ये सारा 1, 1, 2, 2, 2, 3, यानी कि इस वाले का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आप लिख लोगे, दैट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, और कोई रहा? टू थ्री इज देयर एंड 3, 2 इज देयर। अब इसमें बताओ कि कितने जो हैं आपके रिलेशंस ऐसे हैं दोज विच आर कंटेनिंग 1, 2। इसमें है नो, एक इसमें है और एक इसमें है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस विच इज हैविंग 1, 2 इज 2। और इसी में अगर सेम उसके साथ आपका क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस 1, 2, 3, तो आप क्या लेके चलोगे? क्यों, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस, नॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर वो पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, देन यू विल गिव द आंसर एज 5। ये 5 बन रहे हैं, मैंने इक्विवेलेंस वर्ड यूज ही नहीं किया। अब कितने रिलेशंस बन सकते हैं, दैट इज गिवन बाय सेट ए से ए पे रिलेशन, 3 एलिमेंट्स इसमें, उधर भी 3 एलिमेंट्स, तो 2 raised to power 9 विल बी योर आंसर। गॉट इट? अगर सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा है तो 2 raised to power प्रोडक्ट ऑफ बोथ द सेट्स, और अगर इक्विवेलेंस में है देन यू हैव टू फ्रेम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द रिलेशन आर ऑन द सेट 1, 2, 3, दिस इज अ रिलेशन, कौन सा रिलेशन है ये? कौन सा रिलेशन है? हाँ जी, क्या सेट ए मुझे गिवन है 1, 2, 3, और रिलेशन आर मुझे गिवन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, अभी बोल के हटी हूं मैं, विच रिलेशन इज दिस? ऑप्शंस आर सिमेट्रिक ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली, ट्रांजिटिव ओनली एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, ये आइडेंटिटी बन रहा है आपका, ये सेम एलिमेंट्स हैं, बिना सोचे समझे जो ये एलिमेंट्स आपके गिवन है, अगर वो ए कॉमा ए की फॉर्म में सारे एलिमेंट्स आपके गिवन है देन दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और वो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन फॉर रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, डिफाइंड एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें गिवन है, फॉर रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई रियल नंबर्स हमें गिवन है,
define x related to y if and only if x minus y plus root 2 is an equivalence, is an irrational number. Then the relation R is reflexive, symmetric, transitive, or equivalence. X, y से related है, ये relation आपका reflexive होगा, symmetric होगा, transitive होगा या equivalence होगा. ये irrational number कब होगा? जब इनको solve out करके आपको answer irrational की form में मिलता है. अब x और y की देखो values. होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि अगर ये मैंने एक नंबर लिया है तो उसका नेगेटिव अगर मैं उसमें से मतलब वही नंबर माइनस करूंगी तो क्या होगा, दैट विल बी रिफ्लेक्सिव. बिल्कुल ठीक है, ए कॉमा ए को ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक नंबर को अगर आप उसी में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास रूट टू रह जाएगा, तो दैट विल बी एन इरेशनल नंबर, रिफ्लेक्सिव होगा. आप सिमेट्रिक चेक करो, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. अब इसमें ऐसा कोई एक एग्जाम्पल दे दो जो इसको सेटिस्फाई ना कर रहा हो. वैसे तो आपको खुद करके देखना है, ये वहां कुछ शो नहीं करना, सो यू कैन गिव द आंसर डायरेक्टली ऑल्सो. हाँ जी, क्यों होगा, रूट ओके वो तो फिर ए कॉमा ए हो गया ना, जैसे मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपको वो एग्जांपल देने हैं विच इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस. हाँ जी, क्योंकि अगर आप उस हिसाब से लोगे तो वो तो नेचुरली मिलेगा ही मिलेगा. आपको ये चेक करना है क्या कोई ऐसा नंबर है जहां पे ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. ओके, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क पार्ट. यू आर टू सर्च फॉर द नंबर्स विच आर नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांसिटिव. क्योंकि ये वाला जो आपका ऑप्शन है दिस इज रिफ्लेक्सिव ओनली, ये आपको क्लियर होगा आई होप. और बाकी के जो है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए आपने ढूंढनी है ऑप्शन. हाँ, तो दैट इज नॉट एन इरेशनल नंबर ना, ठीक है, गॉट इट. चलिए विद दिस योर